दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप चाहते हैं अपने भूमि का सर्वे करवाना तो सर्वे में तीन ही ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हर जमीन मालिक को भरना होगा सर्वे करवाने के लिए। तो ये तीन जो फॉर्म है, एक आपका प्रपत्र 2 है, एक आपका जो है प्रपत्र 3-1 जो कि बंसावली वाला होता है, और इसके साथ एक और फॉर्म आता है। इन तीनों फॉर्म को कैसे भरना है, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगानी है, उसके बारे में पूरी जानकारी कानून को सर के द्वारा मैं बतवाने का कोशिश करूंगा। यकीन मानिए इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को गलत तरीके से भरते हैं, सर के द्वारा बताया भी गया है कि लोग जो है गलत तरीके से फॉर्म भरकर जमा करते हैं। यही गलत अगर फॉर्म आप भरेंगे तो फिर जानकारी आपकी गलत ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म को कैसे भरना है, किस कॉलम में क्या डिटेल आपको देनी है, ये समझना है तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर होने वाला है। इससे अच्छे वीडियो आपको कहीं पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हर एक पॉइंट को क्लियर रूप से आप सभी को बताने की कोशिश किया है। वीडियो को आप अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार का अपडेट मिलेगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो चाहते हैं अपना जमीन का सर्वे करवाना और फॉर्म को भरना, वो समझिए कि भाई फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये तीनों फॉर्म वो समझ पाए। आइए स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी कानून को सर के द्वारा आपको बतलवाने की कोशिश करवाते हैं। तो वो सारा ब्यौरा आपको फॉर्म 2 और 3-1 में भर के अपने दस्तावेज के साथ, जो भी साक्ष्य ज़मीन का प्रमाण है वो सारा लगाकर, अपना आधार कार्ड लगाकर सर्वे ऑफिस में लाके जमा करना पड़ता है। उसमें कुछ डिटेल है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या भरना है, वो डिटेल आप लोग गौर से सुन लीजिए। फॉर्म 2 जो होता है वो 1 पेज का होता है और फॉर्म 3-1 जो होता है वो 2 पेज का होता है। तो फॉर्म 2 भरने का तरीका यह है कि ऊपर में आपसे डिटेल पूछेगा राजस्व ग्राम का नाम, तो आप जिस राजस्व ग्राम में ज़मीन धारित करते हैं उस राजस्व ग्राम का नाम वहाँ पर दर्ज करना है। उस हर एक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक ही नाम का 2 गांव आपके ब्लॉक में हो सकता है, आपके अंचल में एक ही नाम का 2 गांव हो सकता है। तो अगर 2 नाम है एक ही तरह का और अगर हम वो नाम बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि किस गाँव की बात हो रही है। तो ऐसे केस में उसको पहचान करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, हर राजस्व ग्राम को एक नंबर दिया जाता है जिसको रेवेन्यू थाना नंबर बोलते हैं, राजस्व थाना नंबर बोलते हैं। तो हर राजस्व ग्राम की पहचान उसके एक थाना नंबर से की जा सकती है कि किस राजस्व ग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो राजस्व ग्राम के साथ साथ आपको उसका राजस्व थाना नंबर जो है वो वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, आपका पुलिस थाना जो है वो वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, आपका कौन सा अंचल है वो दर्ज करना पड़ेगा और आपका कौन सा ज़िला है वो दर्ज करना पड़ेगा। उसके नीचे आप लोग देखते होंगे फॉर्म 2 में 11 कॉलम का टेबुलर कॉलम रहता है, टेबल बना रहता है, 11 कॉलम होता है उसमें और हर कॉलम में अलग अलग डिटेल आपको भरना है, जिसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं कि जो भूमि धारित करता है, जो भूमि का जोतरो कोर कर रहा है, उस आम किसान को सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत अगर सिंगल है, जैसे आप लोग एक आदमी जोत रहे होंगे, एक भाई जोत रहे होंगे किसी ज़मीन को, या तो केवाला करवाए होंगे या बंटवारा के आधार पर खतियानी ज़मीन आपको प्राप्त हुई होगी, तो एक आदमी अगर जोत रहे होंगे तो एक रैयत का नाम वहाँ पर दर्ज होगा। और अगर उसी जगह पर 3 भाई 4 भाई मिल के अगर उसको जोत कोर कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वो करके आप दर्ज कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में अपने पिताजी का नाम दर्ज कीजिएगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता, कि आपका घर कहाँ है। हो सकता है कि आपका घर एक गांव में है लेकिन आपकी ज़मीन 3 गांव 4 गांव में होगी, तो हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म भराएगा और अस्थाई पता जो है आपका वो हर फॉर्म में एक ही रहेगा जहां पे आपका घर बना हुआ है। तीसरा कॉलम जो होता है वो ज़मीन के ब्यौरा से संबंधित होता है, वो आपके पेपर पे भी लिखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाता नंबर। खाता नंबर का मतलब ये है कि हर एक रैयत को एक, जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो अकाउंट नंबर एक रहता है और अकाउंट नंबर के अंदर में आपके सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल रहता है कि कितना कितना ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। वैसे ही खतियान में एक अकाउंट नंबर मिलता है, हर एक रैयत को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता नंबर हम लोग बोलते हैं। उस खाते नंबर के अंदर में जितना भी आपका प्लॉट है, जितना भी खेत है, वो सारा दर्ज किया रहता है। एक खेत है तो एक खेत दर्ज रहेगा, अगर आपके पास 10 खेत है तो 10 खेत का नंबर उसमें दर्ज रहेगा। तो वैसा ही इसमें भी सर्वे में भी आपका खाता नंबर रहता है जो आपके
जो भी पेपर आपका होगा, ज़मीन का जो भी प्रमाण होगा, खतियान है, केवाला है, पर्चा है, वो सारे पे लिखा रहता है खाता नंबर, तो वहाँ से देख के आपको खाता नंबर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब हो गया कि प्लॉट का नंबर, जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट का साक्ष आपके पास उपलब्ध है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, वो मानचित्र में भी दिया रहता है और आपके पेपर में भी दिया रहता है, तो आप पेपर से देख के अपना प्लॉट नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद का कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया का मतलब ये हुआ कि कितनी भूमि है आपकी, कितना डिसमिल ज़मीन है या कितना कट्ठा ज़मीन है। आमतौर पे जो सरकारी दस्तावेज़ में ज़मीन की पैमाइश चलती है वो आपको एकड़ और डिसमिल में चलती है। आप गांव घर में देखते होंगे कि आप कट्ठा में उसको मेज़रमेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग कट्ठा में बात करते हैं, लेकिन सर्वे की जब भी बात होगी तो वो वहाँ पर एकड़ और डिसमिल ही चलेगा, वहाँ पर कट्ठा और धुर धुर की नहीं चलेगा। तो आपको वहाँ पर जो भी डिसमिल है, कितना डिसमिल ज़मीन आपकी प्राप्त है, वो प्लॉट कितना डिसमिल का है, वो वहाँ पर दर्ज करना है। उसके आगे कॉलम आता है चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब है कि वर्तमान चौहद्दी। आपके पेपर पे हो सकता है कि उस समय की चौहद्दी दर्ज होगी जो इस समय आपका पेपर बना है। जैसे खतियान की बात अगर हम करते हैं तो खतियान में 1960 में खतियान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था और 67-68 में जाके वो फाइनल हुआ, तो 67-68 में जो आपकी चौहद्दी रही होगी वो खतियान पे दर्ज है। या फिर आपने केवाला करवाया होगा तो जब भी केवाला करवाया होगा उस डेट में आपके चौहद्दीदार जो रहे होंगे उनका नाम वहाँ पर दर्ज किया होगा, लेकिन वर्तमान में आपको वो चौहद्दी नहीं लिखना है जो आपके पेपर पे दर्ज है, वो चौहद्दी लिखना है जो आपके खेत के आसपास आपके चौहद्दीदार हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारे चौहद्दीदार पेपर के अनुसार आपके बदल गए होंगे वर्तमान में। 5 साल 6 साल अगर पुराना पेपर आपका होगा तो वर्तमान में हो सकता है कोई नए केवालादार आ गए होंगे तो आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको उस नए चौहद्दी के हिसाब से जो आपके चौहद्दीदार हैं वो वहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आता है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब हो गया कि आप ज़मीन का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, उस पर क्या बना हुआ है या क्या किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी ज़मीन पे घर बना दिया गया है तो वैसी ज़मीन को हम लोग घरारी की ज़मीन बोलते हैं। तो अगर किसी ज़मीन पे घर बना हुआ है तो किस्म ज़मीन में आप लिख दिए घरारी की भूमि, या फिर वहाँ पर आप मकान में सहन भी दर्ज कर सकते हैं। मकान में सहन का मतलब भी वही हुआ कि वहाँ पर घर बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर खेती की कोई ज़मीन है तो वहाँ पे कृषि वाली भूमि लिख दीजिए या कृषित भूमि लिख दीजिए या खेती की भूमि लिख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे कि ज़मीन पे अपने लोग गाछी वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, इस तरह का बहुत सारा पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा अगर कोई स्थिति है तो आप उसको किस्म ज़मीन में बागीचा या गाछी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि अपनी ज़मीन में पोखर वगैरह खनवाते हैं, मछली पालन करते हैं शौकिया, तो वहाँ पे पोखर खनवा लेते हैं। तो अगर वैसा कोई बना हुआ है, पोखर है, तालाब है, तो वहाँ पे किस्म ज़मीन में आप पोखर या तालाब दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपका ज़मीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वो उपयोग के हिसाब से उसका वेरिफिकेशन आप वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसका अगला कॉलम जो होता है वो होता है लगान का। लगान और इसके बाद का कॉलम है जमाबंदी। लगान और जमाबंदी के केस में आप लोगों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हर आमसभा में ये हम बताते हैं कि अगर आपकी जमाबंदी कायम नहीं हुई हो या आपका लगान फिक्सेशन नहीं हुआ हो, आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ हो, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में इसका पूरा नियम है कि आपका जो दाखिल खारिज का जो नियम होता है या जो जमाबंदी कायम करने का नियम होता है, सेम प्रोसेस इस सर्वे में भी है। उस अनुसार उसका सत्यापन करके हम लोग आपके नाम से नया खतियान ही बना देंगे, तो आपको अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। हर आमसभा में ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा केवाला है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लगान नहीं कटवाते हैं, मेरा रसीद नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे। तो वैसे ही स्थिति में आप लोग लगान का कॉलम या जमाबंदी का कॉलम जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी कॉलम नहीं है। और अगर आपका लगान निर्धारण नहीं हुआ है या आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में उसका इलाज है, उसका रूल है, रूल के अनुसार सत्यापन होगा और सत्यापन के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से ऑटोमेटिक खतियान बनने का प्रोसेस ही शुरू हो जाएगा। आपके नाम से जमाबंदी अलग से कायम हो जाएगी खतियान बनने के बाद, आपको नई जमाबंदी कायम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो कॉलम है जिसको अगर आपके पास है तो वहाँ पर दर्ज कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। उसका अगला कॉलम आता है ज़मीन पे दावा का आधार। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है पूरे फॉर्म का। फॉर्म का इसलिए महत्वपूर्ण कॉलम है कि इससे ही साबित होता है कि आप उस ज़मीन के मालिकाना हक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि ज़मीन पे जो आप दावा किए हुए हैं, जो कब्ज़ा किए हुए हैं, वो किस आधार पे कब्ज़ा किए हुए हैं, आपका उसमें हक बनता है
या नहीं बनता है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। उसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके पूर्वजों के नाम की ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पूर्वजों के नाम की ज़मीन होगी, तो पूर्वजों के नाम की ज़मीन दो तरह से हो सकती है। पहला, या तो आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज होगा तो आपको मिला होगा वो, या फिर आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया होगा तो आपको वो प्राप्त हुआ होगा। तो अगर पूर्वजों के नाम की कोई भी ज़मीन है, अगर खतियानी ज़मीन है, तो वहाँ पे दावा के आधार में आप लिख दीजिए खतियानी ज़मीन या उत्तराधिकारी ज़मीन भी लिख सकते हैं उसको, खतियानी भूमि या उत्तराधिकारी भूमि भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला करवाया गया है तो वहाँ पर लिख दिए पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे ये साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने उसका केवाला करवाया था, रजिस्ट्री करवाया था, तब आपको वो वंशज होने के नाते प्राप्त है। वैसी स्थिति में अगर आपने खुद केवाला करवाया है तो आपके नाम से वो केवाला होगा, और आपके नाम से जब केवाला होगा तो वहाँ पर लिख दिएगा कि केवाला से प्राप्त भूमि। वैसे भूमि जो आपके पूर्वजों के नाम से है, जैसे आपके पूर्वजों के नाम से खतियान है या आपके पूर्वजों के नाम से केवाला है, तो इस दोनों केस में आपको वंशावली समर्पित करना पड़ेगा, वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। उससे ये साबित होगा कि ये आपके पूर्वज थे, जिनका नाम उस पेपर में दर्ज है वो आपके पूर्वज थे और आप उनके वंशज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत है और वंशावली आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वंशावली के केस में एक चीज़ और क्लियर मैं कर देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वंशावली के केस में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, पहले सरपंच बनाते थे, अब सरपंच वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ है। तो ऐसा बता दें आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है, और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुराना तरीके से कोई प्रमाण निर्गत होता है, कोई पेपर निर्गत होता है, तो वो अमान्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि जो पूर्व में वंशावली बनती थी वो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था, सिर्फ सरपंच महोदय अपने लेटर पैड पर बना के दे देते थे तो वो 100% मान्यता होती थी। लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया, उस नए सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के अलावा भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ने के लिए कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग, अगर सरपंच आपके हित के लोग हैं तो आप उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छिपा सकते हैं और अपने हिसाब से उस वंशावली को बनवा सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्लेम सरकार की तरफ के पास गया था कि जैसे चार भाई हैं आप, एक भाई यहाँ नहीं रहता है, जाके बस गया है कहीं बाहर में, उसकी जॉब वगैरह वहीं है तो वहीं रहता है हमेशा, 20 साल से 25 साल से गांव में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीन और जायदाद से तो उसका हक जाएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत जालसाजी करते हैं, और जालसाजी करने के क्रम में जो वंशावली बनाते हैं उस वंशावली में उस भाई का नाम ही गायब कर देते हैं, वहाँ पर दिखाते ही नहीं हैं। सरपंच आपके हित के आदमी थे तो उस समय उसको ट्रस्ट में लेके या जैसे भी करके गलत काम आपने करवा लिया। या बहुत सारे लोगों को आम प्रचलन में आप देखते होंगे गाँव घर में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में जो आपकी बहन हो, बेटी हो या बुआ हो, इसका नाम दर्ज नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारा केस कोर्ट में गया, सरकार के पास गया कि जो वंशावली बन रही है सरपंच की तरफ से, सरपंच महोदय की तरफ से, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, बहुत सारी कमी रह जाती है, बहुत सारे लोगों का गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया। नया सिस्टम के तहत ये किया कि आपके ही गाँव के समाज के कुछ जनप्रतिनिधि या सामाजिक जो लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सत्यापन करने के लिए दिया गया कि जो वंशावली आप बना के दे रहे हैं तो उसको एक बार अपने स्तर से सत्यापित करवा लिया जाए, और सत्यापित करवाने के बाद आपके समाज से हटकर जो विभाग के स्टाफ होते हैं, जिसको पंचायत सचिव बोलते हैं, उस पंचायत सचिव को भी उसमें जोड़ा गया कि आप भी अपने स्तर से उसको सत्यापित कर लेंगे, और सत्यापित करने के बाद जो आपके राजस्व के, जो आपके पंचायत के सरपंच महोदय होंगे और जो पंचायत सचिव होंगे, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो वंशावली निर्गत होगी। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली का फॉर्म आता है उस पर सत्यापन के लिए आप लोगों को गांव के जो आपके मुखिया जी हैं उनका साइन, आपके वार्ड मेंबर जो हैं उनका साइन, आपके जो गाँव के चौकीदार होते हैं उनका साइन, आंगनबाड़ी सेविका जो होती हैं उनका साइन, ये सारा साइन उस पर लगता है। सब लोग उसको सत्यापित करते हैं,
उसके उपरांत आपके समाज के कोई दो ऐसे लोग, कम से कम दो लोगों का उस पर नाम दर्ज करना है, जो गवाह के तौर पर ये साबित करेंगे कि हाँ ये जो वंशावली बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। तो उसमें दो लोगों की गवाही भी होती है, उनका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा दर्ज करवाया जाता है। तो ये सारा करने के बाद वो सत्यापित जैसे ही हो जाएगी तो सत्यापित के उपरांत पंचायत सचिव के पास जाएगा, वो एक आम सूचना निर्गत करेंगे कि इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको देख के सत्यापित हो लें, अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग ग्राम कचहरी को इसकी सूचना देंगे। ये 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन के समय के उपरांत अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती है तो पंचायत सचिव और सरपंच साहब जो आपके गांव राजस्व ग्राम के या पंचायत के हैं उनके संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होती है। लेकिन वंशावली बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो सर्वे में आप लोगों को मेरी तरफ से या विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि आपका जो भी वंशावली है वो आप लोग एक एफिडेविट पर बनवा लीजिए। अभी भी आप लोग जाते होंगे वंशावली बनाने के लिए तो एक एफिडेविट का इस्तेमाल होता है, वो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता होगा। तो वैसे ही आप एफिडेविट बनवाइए जिसका काम उस वंशावली में भी होगा जो पंचायत से बनता होगा, और उसी का एक फ़ोटोकॉपी सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवा दीजिए ताकि उस आधार पर उस वंशावली का जाँच हम लोग अपने स्तर से भी आम सभा लगाकर जांच करवा लें, और जांच करवाने के उपरांत आपका सर्वे का काम हो जाए। तो वैसे लोग जिनको समस्या हो रहा है नया वंशावली बनाने में, जो नई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वंशावली बनाने में, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप लोग जो एफिडेविट बनवा रहे हैं उस एफिडेविट का फोटोकॉपी आप मेरे शिविर कार्यालय में ला के जमा कर दीजिए फॉर्म के साथ, उसके आधार पर हम लोग उसका खुद से उसका सत्यापन करवाएंगे आम सभा लगाकर आपके गांव में, और सत्यापन होने के उपरांत फिर आपके नाम से नया खतियान बनने का प्रोसेस दर्ज होगा। तो अगर कोई भी ऐसी ज़मीन जो आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनका डेथ हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना है। लेकिन अगर आपके नाम पर कोई पेपर दर्ज है, खतियान या केवाला आपके नाम पर है, तो फिर आपको उसमें वंशावली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वंशावली नहीं लगाना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान आप लोगों के गांव में ही होंगे जिनको रहने के लिए, बसने के लिए घर नहीं होता है, तो उनको पर्चा निर्गत किया जाता है सरकार की तरफ से, अंचल की तरफ से। उसमें अगर सरकारी कोई ज़मीन पर बसा हुआ है तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होती है, बंदोबस्ती पर्चा अगर आपके पास है वो, तो वो बंदोबस्ती पर्चा की भूमि हो जाएगी और वहाँ पर दर्ज आपका हो जाएगा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे रैयती ज़मीन को दूसरे रैयत को रहने के लिए दिया जाता है जिसके लिए अंचल से वास्कित पर्चा निर्गत करवाया जाता है। तो अगर वास्कित पर्चा से कोई प्राप्त भूमि है आपकी तो वहाँ पर दावा के आधार में आप लिख दिए वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे भूमिहीन किसान लोगों को कि भूदान से ज़मीन प्राप्त होती है, तो अगर भूदान की ज़मीन आपको प्राप्त है तो वहाँ पर लिख दिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि। तो जो भी आपके पास प्रमाण है, जो भी उस ज़मीन का साक्ष्य है, उस साक्ष्य को वहाँ पर दर्ज करना है कि किस साक्ष्य के आधार पर आपको ये ज़मीन प्राप्त हुई है, तो वो साक्ष्य आप वहाँ पर दर्ज कर दीजिए। खतियानी है तो खतियानी, केवाला है तो केवाला, पर्चा है तो पर्चा, जो भी है साक्ष्य वो वहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद लास्ट कॉलम है जिसमें आपको अभियुक्ति का कॉलम दिया हुआ है। अभियुक्ति कॉलम में कुछ डिटेल ऐसी होती है जो डिटेल आपको फॉर्म में नहीं पूछी गई है, लेकिन वो डिटेल आपको हमको देना ज़रूरी होता है, तो वो सारा वैसा डिटेल आपको अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे किसी ज़मीन पर विवाद चल रहा है, तो विवाद की स्थिति ये होती है कि आपकी ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है तो भी विवाद होगा, या फिर उस विवाद, वो विवाद भरकर एक रजिस्टर्ड फॉर्म में चली जाए और वो रजिस्टर्ड फॉर्म है कोर्ट केस। तो अगर किसी ज़मीन पर कोर्ट केस चल रहा है तो वो सारी स्थिति आपको अभियुक्ति कॉलम में सर्वे ऑफिस को जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोर्ट केस किए हुए हैं तो वाद संख्या आप वहाँ पर लिख दिए, जो केस नंबर होता है वो केस नंबर लिख दिए, किस साल में केस हुआ वो सन लिख दीजिए, और उसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है वो वर्तमान स्थिति वहाँ पर दर्ज कर दीजिए। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो केस नहीं किए होंगे, आपकी ज़मीन है किसी और दूसरे के द्वारा कब्जा किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप वहाँ पर अभियुक्ति कॉलम में बकब्ज़े, जो आपका कब्ज़ा किए हुआ है वो बकब्ज़ेदार में उसका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिए। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ज़मीन का प्रमाण आपके पास है, ज़मीन का पेपर आपके पास है, लेकिन कब्ज़ा कोई और किए हुआ है। तो कब्ज़ाधारी जो है उससे भी हम पेपर मांगेंगे, अगर वो पेपर उपलब्ध करवा देता है, सही पेपर उसका रहता है, तो उसके नाम से खाता खुलेगा। अन्यथा की स्थिति में जिसके नाम से प्रमाण है, ज़मीन का पेपर है, उसके नाम से खाता खुलने की प्रक्रिया अभी होगी, ये नए सर्वे में उसके नाम से खुलेगा। तो ये फॉर्म 2 है, ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में आपका हस्ताक्षर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड है, ये सारा डिटेल आपको भरना है, हस्ताक्षर करना है। अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान लगाइए, और ये सारा डिटेल भर के
उसके बाद आता है प्रपत्र 3-1। प्रपत्र 3-1 वैसी स्थिति में आपको भरना है जहाँ पर आपके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म 3-1 की तरफ। तो 3-1 में दो पेज होता है। वो पहला पेज जो होता है उसमें आपको देखते होंगे सबसे ऊपर में लिखा हुआ सेवा में और शिविर प्रभारी, और उसके नीचे अंचल, अंचल जो आपका है वो अंचल का नाम लिख दीजिए, जो आपका ज़िला है वो ज़िला का नाम लिख दीजिए। उसके नीचे 3 कॉलम दिया हुआ है, तो उस 3 कॉलम में अगर एक आदमी किसी ज़मीन को जोत आबाद कर रहे हैं तो वो एक आदमी का नाम वहाँ पर दर्ज होगा, और अगर वो सामलात तौर पर 2 आदमी 3 आदमी दर्ज कर रहे हैं तो उसका जो सामलात तौर पर अगर जोत रहे हैं तो वहाँ पर उन सारे लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। जैसे हो सकता है कि 2-3 केस बनता है वंशावली के आधार पर जो बंटवारा होता है उसमें, कि एक खतियान ऐसा हो सकता है जो आपके बाबा के नाम पे सिंपल एक आदमी के नाम पे होगा और बाबा से आप लोगों को प्राप्त होगी, बंटवारा होगा, तो वैसी स्थिति में आप लोगों का अगर अलग अलग बंटवारा हो गया तो एक आदमी का वहाँ पर नाम दर्ज होगा। लेकिन अगर किसी खतियान में आपके बाबा का नाम और बाबा के दूसरे भाइयों का नाम है, और जो बंटवारा अभी आप लोगों का हुआ वो बाबा और बाबा के दूसरे भाइयों के बीच हुआ है, आप लोगों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो सामलात रह जाएगी, और सामलात की स्थिति में आपके जो भी जीवित वंशज होंगे, जो आपके ख़ानदान में होंगे जीवित वंशज, जो रैयत होंगे, उनका नाम वहाँ पर दर्ज होगा। 2 आदमी है तो 2 आदमी का नाम, 4 आदमी है तो 4 आदमी का नाम, जितने भी लोग होंगे सबका नाम वहाँ पर दर्ज होगा, और वो वंशावली के अनुसार दर्ज होगा, जो आप वंशावली बनाइएगा उसी के आधार पर वो वहाँ पर दर्ज होगा। उनका पिता का नाम लिखिए, जिस आदमी का नाम लिखिए, जिस रैयत का नाम लिखिएगा उनके पिता का नाम उनके सामने लिखिएगा। उसके नीचे आपका कॉलम जो डिटेल पूछ रहा है वो डिटेल आपका राजस्व ग्राम का नाम है, आपका गांव का नाम है, आपके ज़िला का नाम है, आपके अंचल का नाम है, और आपकी जाति है। जाति खतियान में कंपलसरी होती है, कि खतियान में जाति दर्ज की जाती है, आपका नाम दर्ज किया जाता है, पिता का नाम दर्ज किया जाता है, और निवास स्थल दर्ज किया जाता है। आप जब अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने तो उसका सत्यापन आपके खतियान से ही किया जाता है, कि आपके पूर्वज कौन से जाति से बिलोंग करते थे, वही सेम जाति आपके अभी आपकी बनेगी। तो जब भी जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते होंगे तो फिर क्या होगा कि आपका उसी खतियान के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर जाति आपकी दिखानी पड़ती है कि किस जाति से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो जाति का नाम वहाँ पर दर्ज होगा। बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम पे ही कायम है, तो पंजी 2 जिसको बोलते हैं, जमाबंदी पंजी बोलते हैं, कि जमाबंदी पंजी में किनका नाम दर्ज है वो वहाँ पर दर्ज करना रहता है। पंजी 2 के जमाबंदी जो रैयत हैं उनका नाम दर्ज करना रहता है। तो अगर आपके नाम से दाखिल खारिज हो चुका है, बंटवारा हो चुका है और जमाबंदी आपके नाम से कायम है तो आप अपना नाम वहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आपके पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी चल रही है तो आप अपने पूर्वज का नाम वहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके नीचे आपका खाता नंबर है, खेसा नंबर है, रकबा है, ये सारा डिटेल जो फॉर्म 2 पे भरे थे सेम फॉर्म 3-1 के पहला पेज पे आपको भर देना है। भरने के उपरांत नीचे में साइन है वो साइन कर दीजिए, और फिर उसका दूसरा पेज आता है। उस दूसरा पेज पर आपके हिस्से में जो भी ज़मीन पड़ी है, जो आपको बंटवारा से ज़मीन प्राप्त है, उस बंटवारा की ज़मीन का पूरा ब्यौरा उस पर दर्ज करना है। उसमें भी सेम कॉलम रहता है, रैयत का नाम रहता है, पिता का नाम रहता है, अस्थाई पता रहता है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या। अगर वो बंटवारा हो के आपके नाम से जमाबंदी कायम हो गई है तो जमाबंदी संख्या दीजिएगा, और अगर नहीं हुई है तो उस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी, जो वर्तमान चौहद्दी है, ये वहाँ पर आपको दर्ज करना कंपलसरी है। वो फॉर्म भर के दर्ज कीजिएगा, और दर्ज करने के उपरांत नीचे में साइन कीजिएगा, और साइन करने के बाद ये 3 पेज के फॉर्म के साथ साथ आपको कौन कौन सा दस्तावेज़ लगाना है वो फॉर्म 3-2 के दूसरे पेज पर दिया रहता है। वहाँ पे लिखा भी हुआ है अनुलग्नक के तौर पर, तो वो अनुलग्नक में आप जो जो आपको लगाना है, जो पेपर आपका मांग करता है, वो पेपर वहाँ पर लगाकर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे उस पेपर में आप लोग जानते होंगे कि जैसे खतियानी ज़मीन का अगर आप दावा कर रहे हैं तो खतियानी ज़मीन आपकी है, आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान है, तो आपको खतियान का एक छायाप्रति जमा करना पड़ेगा और वंशावली आपको समर्पित करना पड़ेगा कि आपके जो खतियान में जिनका नाम दर्ज है वो आपके पूर्वज हैं, ये साबित करने के लिए। उसके बाद जैसे केवाला है तो केवाला भी 2 तरह का मैंने बताया है। एक केवाला जो आपके नाम पर होगा, तो आपके नाम पर है और आप जीवित हैं तो आपको सिर्फ केवाला की छायाप्रति जमा करनी है, और अगर आपके पूर्वज के नाम पर केवाला है जिनकी मृत्यु हो गई है तो वैसी स्थिति में केवाला के साथ साथ, केवाला के छायाप्रति के साथ साथ आपको उनका वंशावली भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये प्रमाणित करने के लिए कि जो केवालाधारी हैं, जो क्रेता हैं, वो आपके पूर्वज हैं, ये प्रूफ उससे होगा। तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली भी प्रस्तुत करना है और केवाला की फ़ोटोकॉपी भी प्रस्तुत करनी है। उसके बाद
अगर आपके नाम से लगान रसीद कट रही है या जमाबंदी कायम है तो उसका एक प्रमाण, उसकी एक छायाप्रति जमा करनी है। हर एक रैयत के पास आधार कार्ड होता है और वो आधार कार्ड की एक छायाप्रति जमा करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आम सभा में भी ये सारी चीज़ बताई गई है कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे में खतियान बनने के बाद एक कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा। खतियान का अलग अलग खिसरा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास 10 प्लॉट है तो वो 10 प्लॉट का अलग अलग नंबर याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक कार्ड दिया जाएगा जिसको लैंड कार्ड बोलते हैं, भूमि कार्ड बोलेंगे। उस कार्ड में एक यूनिक नंबर रहेगा। जैसे आधार कार्ड में आप लोग देखते होंगे 12 डिजिट का एक नंबर रहता है, वैसे ही 14 डिजिट का एक नंबर रहेगा आपके लैंड कार्ड में। और उस लैंड कार्ड के नंबर से आपके पास जितनी भी ज़मीन है उसका सारा ब्यौरा आप उस सिर्फ 14 डिजिट के नंबर से निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग खिसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो भूमि, जो हम लोगों का विभाग है, भूमि सर्वे का जो विभाग है, साइट है, उस पर वो नंबर डालेंगे सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, तो वो आपके पास जितनी ज़मीन है, जिस राजस्व ग्राम में ज़मीन है, जिस अंचल में ज़मीन है, वो सारा डिटेल एक साथ वहाँ पर दिखा देगा। तो ये फ़ायदा है इस सर्वे में कि आपको एक लैंड कार्ड भी दिया जाएगा। तो आधार कार्ड को उस लैंड कार्ड से लिंक किया जाएगा। जैसे आप लोग खरीद बिक्री करने जाते होंगे अभी ज़मीन, तो क्या होता है कि आप किसी की भी ज़मीन का रजिस्ट्री कर दीजिएगा, वो जाँच नहीं होता है। जाँच का कोई प्रमाण ये नहीं, सिस्टम नहीं है। सिर्फ सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, रजिस्ट्री फ़ी दे रहे हैं, बस आप किसी की भी ज़मीन रजिस्ट्री कर दीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा मामला टाइट किया गया है कि जमाबंदी जब तक आपके नाम पे नहीं रहेगी या आपके पूर्वजों के नाम पे नहीं रहेगी तब तक वो ज़मीन खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोग जानते होंगे जमाबंदी में भी बहुत उलट पुलट होता है, तो उस चीज़ की कोई सत्यापन नहीं है कि आपकी ज़मीन है या आप बिक्री कर रहे हैं तो उसका, उस पर आपका मालिकाना हक है या नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार ज़मीन बिक्री कर दिए, किसी को केवाला कर दिए, फिर दोबारा उसी ज़मीन को खतियान दिखाकर केवाला कर दिए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी जांच वगैरह का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अब जो सर्वे होगा, और सर्वे में जैसे ही आप किसी को बिक्री करने जाइएगा तो आपसे वो लैंड कार्ड नंबर मांगेगा। वो लैंड कार्ड नंबर जैसे ही दीजिएगा तो वहाँ पर सारा डिटेल आपका खुल जाएगा, और वो डिटेल से ये पता चलेगा कि आप उसके मालिकाना हक रखते हैं या नहीं रखते हैं। मालिकाना हक अगर आप नहीं रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है लैंड कार्ड होने का। तो इसके लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, और आधार कार्ड से आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सारा लिंक किया जाएगा और उससे अटैच कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी आपको जमा करनी है। अगर किसी कोर्ट केस है, कोई ज़मीन पे कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस के केस में आपको दो चीज़ होगा, या तो वो कोर्ट केस अभी लंबित होगा या उसकी डिग्री आपको प्राप्त हो गई होगी। तो अगर लंबित है तब भी कोर्ट केस की कॉपी आपको समर्पित करनी पड़ेगी, और अगर उसकी कोई डिग्री प्राप्त हो गई है, आपको कोई डिसीज़न मिल गया है, तो वो डिसीज़न कॉपी जो आती है, डिग्री कॉपी जो आती है, वो डिग्री कॉपी भी आपको फॉर्म के साथ लगा देना पड़ेगा, जिससे ये साबित होगा कि हाँ, आप इस पर कोर्ट केस लड़के जीते हैं और आपका इस पर मालिकाना हक बन सकता है या नहीं बन सकता है। कुछ केस ऐसा होता है जिसमें वारिसान वाली बात आती है। वारिसान का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग समाज में देखते होंगे कि किसी को कोई संतान नहीं हुआ, संतान नहीं होने के उपरांत वो किसी को गोद ले लेता है। तो अगर रजिस्टर्ड गोद लिए हुआ है, उसका प्रमाण उसके पास पूर्ण रूप से है, तो वो रजिस्टर्ड गोद लेने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पेपर है, वो साक्ष्य आपको वहाँ पर प्रमाण लगाना पड़ेगा कि आप उनके वारिस हैं, ये प्रमाणित करना पड़ेगा, तभी उनकी ज़मीन आपको प्राप्त होगी। तो ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है वारिस होने का, तो वारिस होने का प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर लगाना है। तो ये सारी चीज़ है जो आपको उस फॉर्म के साथ, उस दस्तावेज़ के साथ लगाकर, जो सर्वे ऑफिस है, हर अंचल में एक एक सर्वे ऑफिस बना हुआ है, आप अपने अंचल का पता कर सकते हैं। जैसे बुखरा अंचल है तो बुखरा अंचल में, अंचल परिसर में ही जो रिकॉर्ड रूम है, जिसको अभिलेखागार रूम बोलते हैं, वहाँ पे सर्वे ऑफिस बना है, यहाँ पर आके आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। वैसे लोग जो सर्वे ऑफिस में नहीं आ पाएंगे किसी कारण से, जैसे बाहर में रहते होंगे नहीं आ पाएंगे, या बहुत वृद्ध आदमी हैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार का एक प्रोविज़न है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी उसको समर्पित कर सकते हैं। प्रपत्र 2 और 3-1 का जो प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। DLRS की वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा, गूगल पे जाइए, वहाँ पे DLRS बिहार सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा कि रैयतों द्वारा स्वघोषणा का प्रपत्र जमा करने हेतु आवेदन। तो इस तरह का ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उसमें खाता नंबर, खिसा नंबर, आपका नाम, जो भी आपके ज़मीन का ब्यौरा है,
वो सारा वहाँ पर दर्ज कीजिए। दर्ज करने के उपरांत आपका जो प्रमाण है वो स्कैन कॉपी अपलोड मांगता है, वो स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर दिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक हम लोगों के लॉगिन में आ जाता है। जैसे ही आप वहाँ पर ऑनलाइन करते हैं वो ऑटोमेटिक हम लोगों के लॉगिन में आ जाएगा, और लॉगिन में आने के उपरांत हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई जो भी होती है वो करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है आपको ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, जैसे ही आपको सहूलत है वैसा काम आप कर सकते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया अभी वर्तमान में आप लोगों को करनी है कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3-1 में आप लोग अपना जो भी ज़मीन का ब्यौरा है वो भर के सर्वे कार्यालय को जमा कर दें। इसके आगे की जो भी प्रक्रिया होगी सर्वे की, विभिन्न प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को अलग अलग से विस्तार में बताया जाएगा। हर प्रक्रिया से पहले एक आम सभा करके गांव के जो आम रैयत हैं, आम किसान हैं, उनको सूचना दे दिया जाएगा कि अगले प्रक्रिया में क्या काम करना है और आप लोगों का क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ उसमें बताई जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप लोग प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1, जिसकी समय सीमा आप लोगों को बता दी गई है कि ये कार्य 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। सर्वे की जो प्रक्रिया है ये पूरे ज़िला में, जो भी 38 ज़िला है बिहार में, ये 38 ज़िलों में प्रारंभ कर दी गई है और इसका काम 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों को फॉर्म जमा करने का समय दिया गया है। ये 30 सितंबर तक आप लोग अपना अपना जो भी स्वघोषणा का प्रपत्र है, जिसको फॉर्म 2 और 3-1 बोलते हैं, ये स्वघोषणा का प्रपत्र भर के शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ये तीनों फॉर्म, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3-1 और उसके साथ एक और फॉर्म आता है, तो कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने नज़दीकी सिविल में जमा कर दीजिए, या आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसे सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है वीडियो यहां मिलेगा, उससे ज़रूर देख लीजिए।